हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिंकूस किचन। तो आज हम बनाएंगे सूरत का फेमस इदड़ा, जिसे वाइट ढोकला भी बोलते हैं, और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि इदड़ा कैसे बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप चावल लिए हैं और 1 कप उड़द की दाल ली है, और चावल जो हम खिचड़ी में यूज़ करते हैं वो मैंने लिए है। ये हम मिक्स करेंगे एक बाउल में। जितनी हमने उड़द दाल ली है उनसे डबल हमें चावल लेने हैं। इसको हमें अच्छे से धो लेना है। अब ये पानी निकाल देंगे हम। इसे हमें 6 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देना है। 6 घंटे के बाद पानी सारा निकाल के हैं इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर बेटर पतला हो जाएगा, हमें थोड़ा ठीक रखना है। तो अब हम इसमें 3 चम्मच जितना खट्टा दही डालेंगे। अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे हम। एकदम स्मूथ बैटर तैयार करना है हमें। तो ये बैटर रेडी हो गया है। ज़्यादा थिक भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, ऐसा बैटर रेडी करना है हमें। अब ये बैटर को हमें 6 से 7 घंटे तक ऐसे ही रहने देना है। अब हम पानी उबालने के लिए रख देंगे, और दूसरी साइड हमने जो बैटर रेडी किया है उसमें अदरक मिर्च की पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच जितनी डाली है मैंने यहाँ पे, और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। मैं सिंधव नमक को यूज़ करती हूँ जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें इनो डालेंगे। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप खाने का सोडा भी डाल सकते हो। अब इसको हमें एक ही डायरेक्शन में हिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है। देखो कैसे फूल गया है। अब हम प्लेट में तेल लगा देंगे। तेल लगाएंगे तो नीचे हमारे ढोकले चिपक नहीं जाएंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और इसमें हमने जो बैटर रेडी किया है वो डालेंगे। अच्छे से उसको ठीक कर लेंगे, स्प्रेड हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे।
जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अब ये पानी उबल गया है तो दोनों डिश हम इसमें रख देंगे। और ढक देंगे 20 मिनट के लिए। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये पक गया है कि नहीं। ऐसे छुरी से चेक करना है, अगर नहीं चिपका तो ये आपका पक गया है। अगर चिपक रहा है तो अभी देर है। तो ये रेडी हो गया है हमारा इदड़ा। तो इसको हम नीचे उतार के इसके ऊपर तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो अब हम कटिंग कर लेंगे। आपको जो भी शेप पसंद हो उसी शेप में आप कट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिख रहा है। एकदम स्पॉन्जी लग रहा है। तो ये रेडी हो गए हैं हमारे रुई जैसे वाइट ढोकले और इदड़ा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।